सारे फ्रेंड्स, मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमी क्रिएटिविटी में। मैं अपने इस चैनल पर डीआईवाईस एंड क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर आती हूँ। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और दिवाली भी आने वाली है, तो दिवाली को देखते हुए आज मैं आपके साथ फोर अमेजिंग से क्विक एंड इजी वे में बनने वाले डीआईवाई कैंडल होल्डर का वीडियो लेकर आई हूँ, जिसे मैं हमेशा की तरह वेस्ट मटेरियल को रीयूज करके ही क्रिएट करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कैंडल होल्डर बनाने के लिए मैं ओल्ड शीडी और एक पुरानी कैप को यूज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक थीन कार्डबोर्ड से इस तरह की पेटल के शेप को कट कर लिया है। अब इसे मैं ग्लिटर शीट पर रखकर कट करके निकाल लूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर की ग्लिटर शीट को यूज कर सकते हैं। मैंने सारे पेटल्स कट कर लिए हैं। अब इसे मैं फेविकोल से पेस्ट कर दूंगी। आप फेविकोल की जगह पर फेवी बॉन्ड का या ग्लूगन का भी यूज कर सकते हैं। सेंटर में पेस्ट करने के लिए मैंने व्हाइट ग्लिटर शीट से एक सर्कल को कट किया है, जिसे मैं इस पर पेस्ट कर दूंगी। फ्रेंड्स, आप चाहें तो सिंपली इसे इसी तरह भी रहने दे सकते हैं। मैंने शादी के कार्ड से जो इस तरह के गणपति लगे होते हैं उन्हें निकाल लिया था। इसे मैं फेविबॉन्ड की हेल्प से सेंटर पर पेस्ट कर दूंगी। फ्रेंड्स, ये तो ऐसे ही इतना खूबसूरत लग रहा है, इसे चाहे तो आप ऐसे भी अपने पूजा घर को डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब जो मैंने कैप रखा था, इसे हम गोटा पट्टी से डेकोरेट कर लेंगे, देन हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। अब हम कैप को डेकोरेट कर लेंगे। कैप को डेकोरेट करने के लिए मैं इस तरह की लेस को यूज कर रही हूँ। इसे मैं ग्लू गन से अप्लाई कर रही हूँ। आप यहाँ पर फेवी बॉन्ड का यूज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये ब्यूटीफुल सा कैंडल होल्डर बनकर रेडी हो चुका है। हमने वेस्ट मटेरियल को यूज करके कितना खूबसूरत सा कैंडल होल्डर बनाकर रेडी कर लिया है। आप इसे डबल साइडेड टेप या रॉक की हेल्प से वॉल पर आसानी से हैंग कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड डीआईवाई की तरफ। नेक्स्ट कैंडल होल्डर बनाने के लिए भी मैं वेस्ट सीडी और ग्लिटर शीट को यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 12 पेटल्स को कट कर लिया है। फ्रेंड्स, आप इन्हें पेस्ट करने के लिए फेविकॉल फेवी बॉन्ड का भी यूज कर सकते हैं। ग्लू गन से ये इंस्टेंट पेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, नीचे की साइड पर मैं हाजमोला की बोतल की खाली कैप को यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर किसी और बोतल के कैप को भी यूज कर सकते हैं। तो इस पर मैं एक लेस को अप्लाई कर लूंगी।
फ्रेंड्स, तो हमारा सेकेंड DIY कैंडल होल्डर बनकर भी रेडी हो चुका है। देखिए, हमने इसे बहुत ही लो बजट में और काफी कम समय में बनाकर रेडी कर लिया है। आप इसे डबल साइडेड टेप या रोप की हेल्प से भी वॉल पर आसानी से हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर DIY बनाने के लिए मैं कार्डबोर्ड को यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर CD को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 इंच के सर्कल को कट करके निकाला है। आप अपने अकॉर्डिंग साइज को कट कर सकते हैं। साथ ही मैं इस पर पैटर्न्स बनाने के लिए फोम ग्लिटर शीट को यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कलर से पैटर्न्स को कट करके निकाल लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कलर का चूज कर सकते हैं। तो हमारा बेस रेडी हो चुका है। इसे और ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं अपने बैंगल्स को यूज कर रही हूँ। अगर आपका बैंगल्स ओल्ड हो तो आप इसे ग्लूगन की हेल्प से इस पर पेस्ट कर लीजिएगा। मैं इसे यूज करने वाली हूँ, इसलिए मैं इसे सिंपली इसी तरह रख दूंगी। अब आप इसके अंदर एक बड़ी कैंडल या टी लाइट कैंडल रखकर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट DIY के लिए भी मैं वेस्ट कार्डबोर्ड को ही यूज कर रही हूँ। साथ ही मैंने फोम ग्लिटर शीट से इस तरह के पैटर्न्स की डिजाइन को कट करके निकाल लिया है। तो यहाँ पर हम फोम ग्लिटर शीट को बीच से इस तरह से कट कर लेंगे। देन हम ग्लू गन से इसे आपस में पेस्ट कर देंगे। तो हमें सारी पेटल्स को इसी तरह उठाते हुए फिक्स करते जाना है। फ्रेंड्स, तो हमारा ये क्विक एंड इजी सा DIY कैंडल होल्डर बनकर रेडी हो चुका है। आप चाहे तो सिंपली इसे इसी तरह भी यूज कर सकते हैं। मैं अगेन इसके अंदर अपना एक बैंगल रखकर इसे यूज करूंगी। आप अगर ओल्ड बैंगल को यूज कर रहे हैं तो उसे आप इसके अंदर पेस्ट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इन दोनों DIY कैंडल होल्डर को इस तरह भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास इस तरह के पुराने केक बेस हो तो आप उन्हें भी इनके साथ रियूज कर सकते हैं। आपको केक बेस लेना है और सेंटर पर इसे इस तरह से रख के पेस्ट कर लेना है। तो देखिए, दोनों DIY कैंडल होल्डर हमारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस तरह भी इसे सिंपली डबल साइडेड टेप से वॉल पर हैंग करके यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप केक बेस पर इन्हें सेंटर में पेस्ट कर लीजिएगा। देन आप इसे डबल साइडेड टेप की हेल्प से वॉल पर पेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज के चारों DIY आइडियाज पसंद आए होंगे। अगर आप सभी को आज के चारों कैंडल होल्डर पसंद आए हों तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के DIY वीडियो शेयर करूं आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक यू।